इंडियन यूथ काँग्रेसतर्फे डागा रुग्णालयाचे मोठे गेट उघडे ठेवण्यासंदर्भात व पार्किंगच्या नावाखाली होणारी बेकायदेशीर वसुली थांबवण्याबाबत सीमा पारवेकर MS डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालय यांना केले आहे. डागा स्मृती शासकीय महिला रुग्णालय जे नागपूर शहरातील अतिशय प्रसिद्ध रुग्णालय आहे, जिथे दररोज शेकडो रुग्णांवर उपचार केले जातात, मात्र डागा रुग्णालयात अनेक कामांकडे दुर्लक्ष होत आहे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. जसे डागा हॉस्पिटलचे मोठे गेट 24 तास बंद असते, रुग्णवाहिका आल्यावर त्याला थोडे वेळ थांबवून ठेवावे लागते, त्यानंतर गेट उघडते. त्यामुळे दिवसभर गेट उघडे ठेवावे. तसेच मोटरसायकल पार्किंग जे बेकायदेशीर पैसे उकळण्याचे काम करत आहे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यानंतर रात्रीच्या वेळी त्या कार पार्किंगच्या ठिकाणी काही असामाजिक घटकांचा जमाव जमून अनेक प्रकारची नशा केली जाते. या ठिकाणी येणाऱ्या रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना असुरक्षित वाटत असल्याने त्वरित निर्णय घेऊन मोठे गेट उघडावे, पार्किंगचे टेंडर काढावे आणि जोपर्यंत पैशांची अवैध वसुली थांबत नाही तोपर्यंत रात्री उशिरा असामाजिक घटक येत असल्याच्या बातम्या प्रशासनाला देऊन त्यांच्यावर आळा बसवून त्या थांबवाव्या, अशा मागण्या इंडियन यूथ काँग्रेसतर्फे केल्या गेल्या आहेत. किस बारे में मोर्चा था? आज का जो हमारा ये मोर्चा था, जो डागा हॉस्पिटल जो कि विदर्भ का सबसे चर्चित हॉस्पिटल है, जहाँ सैकड़ों मरीज रोज उपचार करते हैं, यहाँ पे जो इसके दो गेट है, एक छोटा एक बड़ा, तो ये बड़ा गेट हमेशा बंद रहता था. अभी हमने निवेदन दिया और नारेबाजी कर यहाँ खुद ही गोट खेला है, और हमारा निवेदन था कि ये गेट 24 घंटे खुला रहना चाहिए, क्योंकि ये गेट बंद होता है, एम्बुलेंस रुकती है, वह ट्रैफिक जाम होता है, मरीज को अलग प्रॉब्लम होती है. और दूसरा हमारा मुद्दा था जो ये पार्किंग है, ये पार्किंग का कोई टेंडर नहीं हुआ है और ये बिना टेंडर के पार्किंग चलाई जा रही है. कोटेशन हमको बताया गया कि कोटेशन पे पार्किंग चल रही है, लेकिन कोटेशन लाख भरे जा सकते हैं, लेकिन टेंडर जब तक होता नहीं है, टेंडर किसी को जाता नहीं है जब तक ये पार्किंग के अवैध पैसे वसूलना बंद करे. और तीसरा हमारा अहम मुद्दा था, जहाँ रात में यहाँ असामाजिक तत्व का जमगावड़ा जमता है और नशे का सेवन किया जाता है, जिससे मरीज आने वाले और मरीज के परिजित उनको लाखों समस्या हजारों समस्या का सामना करना पड़ता है. और ये तीनों हमारे मुद्दे थे, ये तीनों मुद्दे जल्द से जल्द हल होने चाहिए. हमने 8 दिन का टाइम दिया है, हमको वहाँ प्रशासन ने बोला है डागा के 1 महीने में यहाँ का टेंडर भी हो जाएगा. निवेदन किसको दिया? निवेदन हमने यहाँ की जो MS है, सुपरिटेंडेंट सीमा पारवेकर, वो नहीं मौजूद थी, तो उप सुपरिटेंडेंट जो चांदेकर मैडम है उनको ये दिया है. संजय भैया जो यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं उनके हाथ में दिया है, उनने तुरंत कॉल कर भी बताया है. और हमने यहाँ के मैनेजमेंट को, सीमा मैडम को ये बताया और ये बोला है कि आप पुलिस में कंप्लेन करिए कि गेट से, जैसा इनका बोलना है, गेट चालू रहता है तो बाहर के लोग पार्किंग करते हैं, तो यहाँ पे 2-3 दिन पुलिस वाले खड़े रहेंगे, आप पुलिस में कंप्लेन करिए. और रात में जो नशे करने वाले लोग यहाँ आते हैं उनकी भी कंप्लेन आप करिए, आप नहीं करते तो हम कंप्लेन करेंगे. BKB न्यूज साठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे सह ऐश्वर्या शिंदे यांची रिपोर्ट. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.